धू धू कर जल उठा रावण। जिला अलीगढ़ के गोंडा कस्बा रामलीला मैदान आदर्श रामचरित समिति गोंडा के द्वारा 101वां वार्षिक उत्सव आदर्श रामचरित प्रदर्शन समिति के बैनर तले लगसमा इंटर कॉलेज के सामने रावण का मेला लगा, जिसमें सर्वप्रथम धर्मा भैया अध्यक्ष, महामंत्री घनसू बजरंगी, तरुण अटल कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष रजत उपाध्याय, जिला मंत्री कुशाल चौधरी, मंडल अध्यक्ष शिवा एवं थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कांत शर्मा, एसएसआई नदीम मोहम्मद ने रावण मेला फीता काट कर शुभारंभ कराया। उसके बाद शिव शक्ति आदर्श कला मंडल ब्रजधाम के कलाकारों के द्वारा रावण के मेले में पूरी लीला दिखाई गई, जिसमें दर्शक बहुत मन मोह लिया। दर्शक रामलीला को देखने के लिए बैठे रहे। उसके बाद रजत उपाध्याय भाजपा मोर्चा जिला मंत्री ने बताया, विजयदशमी जिसे हम दशहरा कहते हैं, जैन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था। रावण राक्षसों का राजा था, उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। इस तरीके से उन्होंने रामायण की व्याख्या की और सभी ने आनंद लिया। उन्होंने कहा कि अंत में राम ने रावण की नाभि में अग्निबाण तीर मारकर रावण का पुतला दहन कर दिया। इस मौके पर एसआई अरविंद सिवाल में फोर्स लक्ष्मण गुप्ता, हरिओम बजरंगी, मोनू पालीवाल, लोकेश भर्जी, शीलेंद्र कुमार उर्फ शीलू, कपिल चौधरी उर्फ नेत्रपाल शर्मा उर्फ छुटली, दीपक धतूरा, अविनाश गौतम आदि सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी अध्यक्ष धर्मा भैया ने बताया कि कल दिनांक 25 अक्टूबर को दिन में कुश्ती दंगल लगसमा इंटर कॉलेज गोंडा के सामने कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुश्ती दंगल मेले का आयोजन दिन में 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। लास्ट कुश्ती 31,000 की होगी। उसके बाद रामलीला मैदान पैठ में 10 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रात को कवि सम्मेलन के लिए कवियों को बाहर से बुलाया गया है। नोएडा में किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन का और पुलिस मेरी सेफ्टी कमेटी का हर सहयोग है। जय श्री कृष्ण। पिता ले 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 लो। हमारा जो प्रोग्राम होता है, उनका प्रोग्राम बनता है रामलीला प्रदर्शन समिति द्वारा, जिसमें शासन और प्रशासन ने हमें भरपूर सहयोग किया, क्षेत्र में पूरा सहयोग किया और मैं सभी क्षेत्रवासियों और शासन को बहुत बहुत बधाई देता। आज दशहरा के दिन रावण का दहन हुआ। और